बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? और मैं हूँ रंजना, आप देख रहे हैं रंजना। तो मैं बहुत अच्छी हूँ और आई होप, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और अपने आप को सुरक्षित रखिए, हेल्दी रखिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, मौसम बदल रहा है और थोड़ा सा किसी को वायरल फीवर हो रहा है, कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, तो ऐसे में ध्यान रखिए। और साथ के साथ बड़ी खुशी की बात है कि फेस्टिव सीजन भी है, तो सब लोग किसी ना किसी ओकेजन की, कोई मैरिज की कोई तैयारी कर रहे हैं। तो वैसे ही एक छोटा सा हॉल वीडियो मैं भी लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि उनमें से कोई प्रोडक्ट्स अच्छा लगेगा आपको, तो आप वो मंगा सकते हैं। और जो मैंने खरीदा है, जब हम यूट्यूब पर होते तो सभी कुछ आपके साथ शेयर करते, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ मंगाया है मैंने अपनी तैयारी के लिए फेस्टिव सीजन की, तो क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सब चीज़ें मेरे पास है, अगर आपको दिख रहा है पता नहीं स्क्रीन पर, तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो ऐसे तो कुछ नहीं है कि छोटा बड़ा क्या उठाऊँ, कुछ बॉक्सेज हैं मेरे पास, तो मैं शुरू कर देती हूँ किसी से भी। तो चलिए सबसे पहले ये पैकेट उठाते हैं हम, ये है पैकेट मेरे पास, तो सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो पता है ये सब सामान मेरे पास बहुत पहले से आके रखा हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपने बिजनेस में, अपने काम में इतना बिजी हो जा रही थी कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो ये बहुत दिनों से रखा था और बच्चे कह रहे थे कि मम्मा अनबॉक्स कर दीजिए, टाइम नहीं मिल पाने की वजह से इतना लेट हो गया। तो जल्दी करते हैं हम, ये स्पिनर रख देते हैं। तो ये कुछ पैकेट्स मैंने मंगाए हैं, पाउच की तरह है, बैग्स हैं, जो स्टोरेज बैग्स है, प्रिंटेड साड़ी कवर्स, हाँ साड़ी कवर्स कह लीजिए वैसे, और कोई भी क्लोथ आप अपनी अलमीरा में, अपनी वार्डरोब में रख सकते हैं। तो इस तरह से ही ओपन होना है। तो यहाँ पर जिप है, लेकिन ये देखिए स्पेस तो काफी है। इस तरह से मैं दिखाऊंगी कि मैंने इनको किस तरह से किया है, ये देखिए हाँ भी तो देखिए ठीक दिख रहा है। तो ये है कवर, जो इसका कलर है प्रिंट का वो तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कपड़ा थोड़ा हल्का है, थोड़ा और अच्छा हो सकता था। तो ये प्रोडक्ट्स मैंने मीशो से मंगाए हैं, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ प्रोडक्ट्स मीशो से मंगा चुकी हूँ और मैं मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा, सब चीज़ें अच्छी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं से मंगा लेते हैं। तो ये है, हम काउंट करते हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये मेरे पास 6 आए हैं, सब इसी तरह से हैं। तो अलमीरा में ऐसे जो अपना जो आप अच्छे से लगाते हैं तो मैनेज करने में अच्छा रहते हैं ये। तो ये मेरे पास 6 है और ये सब बहुत अच्छा प्रिंट है, बस थोड़ी सी क्वालिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और थिक हो सकता है। तो 198 के, हाँ ये 198 के है, तो चीप एंड बेस्ट है उस हिसाब से। तो आपकी मतलब बहुत अच्छी खरीदारी है कि 198 में हमें 6 मिल रहे हैं, तो ये अच्छा है। इसमें अच्छे से कपड़े रख के, बच्चों के कपड़े या अपने कपड़े, मैं इसमें अपनी अलमीरा के लिए मंगाए मैंने, तो मैं इसमें अपने कपड़े रखूंगी। तो चलिए इनको रख देते हैं एक साइड और उठाते हैं दूसरा पैकेट। तो दूसरा अनबॉक्स करते हैं हम, ये देखते हैं क्या है इसमें। चलिए ऐसे बिना स्क्रीन खोलते हैं, खुल गया ये मेरे लिए। तो यस, व्हाट इज दिस, और ये पैकेजिंग तो ठीक ही है, सेफ है, बिल्कुल बढ़िया है। ये देखिए ये इस तरह से है, ये तो हमने ऑर्डर करा था, उसमें ये जो इसका पॉम्पम्स है वो रेड था, लेकिन इसमें पर्पल, ये है जो हमने ऑर्डर किया था, तो इसमें ये बता रही है वो ये रेड था, लेकिन इसमें मुझे पर्पल दिया है, ये पॉम्पम जो लगा हुआ है। तो ये पैक है, और चलिए अब इसका देखते हैं इसकी कैपेसिटी या इसकी जो बैग। यस, तो वी हैव दिस वन मोर बैग हियर, मतलब आपकी सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं आप। जैसे मैं चाहती हूँ तो काफ़ी कुछ चीज़ें रखनी होती है, कभी कभी मनी भी होता है क्योंकि मुझे पेमेंट वगैरह करना होता है, तो इसमें आप रख सकते हैं। इसको आप अपने ग्लासेस वगैरह या एक छोटा ऐसे अलग से कैरी भी कर सकते हैं इसमें। ये देखिए ये चेन है इसमें, यहाँ पर इस तरह से दिया है, ब्लैक कलर है, कलर भी अच्छा है। तो ये हो गया है, ऐसे इसको डाल के जा सकते हैं।
तो एक ये हो जाता है, एक ये हो जाता है ना। इसमें आपको होल्ड करने के लिए ऐसे कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से आप यही वाला इसमें भी लगा सकते हैं, ये वाला ना चेंज करके इसको यहाँ से, हाँ हाँ ये खोलने वाला है, इसको यहाँ से निकाल के इस हुक को यहाँ लगा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें वन मोर, एक छोटा सा पाउच है, वॉलेट जैसा है। इसमें आप ना अपना कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं, आईडी कार्ड्स अपने। तो इसमें वन ये फ्लैप्स दिए हुए हैं, थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 6 कर दिया है। इसमें आप अपना आईडी कार्ड वगैरह रख सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ रखती ना उन्होंने उसको कैमरा में पास में जाके दिखाती हूँ। तो ये इसका स्ट्रैप भी दिया हुआ है, अगर आप इसको ऐसे साइड में स्लिंग बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं तो वो भी है, और ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये इसका स्पेस है, काफ़ी स्पेस है, काफ़ी स्टोरेज। जैसे आप कॉलेज जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं तो लंच बॉक्स आ जाएगा, कुछ आपके ज़रूरी पेपर्स आ जाएंगे, पेन आ जाएगा, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो ये लुक वाइज भी अच्छा है, जीन्स वगैरह पे सभी पे क्लोज पे हर कलर के साथ आपको सूट करेगा। तो ये था हमारे साथ, इसके साथ ये थी 1 1 2 3 4, ये इस तरह से। ये कितना था फी हुई इसका प्राइस? प्राइस 462। तो 462 इसका प्राइस है, उसमें हमें ये मिला था 457 का। 457 का मुझे रिसीव हुआ है ये, तो आप इसको देख सकते। तो खोलते हैं अगला प्रोडक्ट। अगला क्या है, क्या खोले? अच्छा वो गेम में क्या होता था, गेम में जो करते हैं ये थोड़ा सा खुला हुआ है, चलिए मैं इसको ऐसे खोल देती हूं। ये ऑलरेडी खुला हुआ है, ये काफी दिनों पहले तो मैंने देखा था और थोड़ा हुआ है, हां थोड़ा सा उनसे ना फट गया था ये। तो ये छोटे-छोटे सी पैन है, जैसे राइस बॉल विद कोई फ्रूट, राइस बॉल विद वेजिटेबल, राइस पल्सेस बनाते हैं। तो पल्सेस राइस और फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह धोने के लिए किचन में इनका बहुत ही यूज होता है और काफी जरूरत पड़ती है। तो मैंने ये 3 का सेट था, और ये कितने का था? 93। ये 3 का सेट है और ये 93 रुपीज में मुझे मिलेगा, मतलब लेस देन 100, सोच सकते हैं आप, लेस देन 100 रुपीज में ये 3 मिलेगा मुझे। मतलब अलग अलग भी आप कर सकते हैं, जैसे किचन में काम हो रहा है और आप पहले से वॉश करके रखना साथ चाहते हैं, तो एक में आप रख दीजिए राइस, एक में रख दीजिए दाल, और एक में रख दीजिए वेजिटेबल्स वगैरह काट कर। और क्योंकि जो आप स्टील वगैरह के बर्तन होते हैं वो आपके ज़्यादा निकलेंगे भी नहीं, और ज़्यादा किचन फैलेगा नहीं और गंदे भी नहीं होंगे, और ये रखने में भी ईजी है, इनको ऐसे एक में एक आ जाएंगे ये ईजीली, और आप इनको कहीं भी छोटा सा स्पेस घेरेंगे और रख देंगे। तो इस तरीके से आई थिंक कि दिस इज अ गुड परचेज। क्वालिटी बताइए, और क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक तो चला के इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब प्लास्टिक जो है सिर्फ खराब वाला प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक बिल्कुल बढ़िया वाला ये देख सकते हैं। ऐसे मम्मा को भी लग रहा है तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो आप इसे जरूर खरीदे। चलिए अब हम खोलते हैं एक और पैकेट, खोल लेते हैं पहले, है ना, वो बॉक्सेस हम तो बाद में खोलते हैं। तो हम खोलते हैं ये, अच्छा ये तो मैंने खोला था, इसकी चीज बात करते थे बेटा, इसके अच्छे लग रहा था, सारे प्रोडक्ट्स खोल के। तो ये है एक बेडशीट, ये मैं आपको दिखा दूंगी, कॉटन की बेडशीट है, प्योर कॉटन है, बहुत अच्छी क्वालिटी है ये, 100% प्योर कॉटन, 100% प्योर कॉटन। और इसमें इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, देखिए ये ट्री जैसा बना हुआ है, ग्रे और व्हाइट प्रिंट, मुझे ना ये ग्रे और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, और मेरे घर में सारी वॉल्स जो है वो व्हाइट है, तो इसलिए मुझे और भी ये अच्छी लगती है। देखिए पूरी छिप जाती है, आपको दिखा तो कैसी लग रही है ये बैठी, तो ये भी आप लगा सकते हैं, प्योर प्रिंट बहुत अच्छा है ये, डबल बेड में भी है और क्वीन साइज में भी है। हाँ ये डबल बेड की मंगाई है मैंने, ये किंग साइज और क्वीन साइज दोनों में है, तो आप जैसी भी ऑर्डर करके मंगाएं। उसके पिलोज, हाँ पिलो में मैं ये कहूँगी कि पिलो, क्योंकि ऐसे कोई बहुत ब्रांडेड नहीं है, तो पिलो में पिलो कवर जो है थोड़े छोटे हैं, ये देख सकते हैं आप, लेकिन मैं कहीं ना चलिए कुशन्स वगैरह पे कहीं इनको एडजस्ट कर लूँगी, पिलो कवर थोड़ा मुझे छोटे लग रहे हैं क्योंकि मेरा पिलो थोड़े बड़े साइज के हैं। फिर भी ये क्या प्राइस क्या था इसका? 382 और हमें 374 है।
382 इसका प्राइस था और ये हमें 374 में मिला है ऑफ में, डिस्काउंट में थोड़ा। तो चलिए देखते हैं अगला हमारे पास क्या है। हाँ, मैंने किचन के भी कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं किचन के यूज के लिए, तो मेरे पास दो आ गए हैं इस तरह के पेन, इनको क्या बोलूँ, छोटे छोटे से हैं और बड़े भी हैं। साइज मुझे ना जब मैंने ऑर्डर किया था तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा था, लेकिन अभी मैं देखेंगे थोड़ा सा मुझे छोटे लग रहे हैं। तो आप इससे ना कोई भी चीज़ जैसे आपको गरम करनी है या भुननी है, जैसे आप रोस्टर, रोटी, पापड़, चपाती, टोस्ट, ब्रिंजल, तो ये दो हैं, दो मैंने मंगाए इस तरह से ये, और ये रोटी के लिए भी, और बैगन का भरता बनाते हैं तो बैगन भूनने होते हैं उसके लिए, और आलू वगैरह ऐसा कुछ आपको करना है, पापड़ भी बिना ऑयल के पैन टाइप बना सकते हैं, तो ये आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे है, पीछे ये वुड का है, वुडन ये हैंडल है पकड़ने का, और ये आयरन का है। ये है 157 रुपीज में, ये मेरे पास दो हैं, ठीक है। तो ये मैं किचन में यूज करने वाली हूँ, जब करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी किचन के आइटम्स में करती जाती हूँ। लंच बॉक्स में दिखा रखा है ग्रीन कलर का आना था,
ग्रीन ऑर्डर किया था, मतलब इसमें भी ग्रीन ही आ रहा है कलर। हाँ लेकिन कलर ये वाला भेजा है इसमें पीच कलर। ऐसे है ये दिखाया था ये। और आ ये गया एक सिंपल सा ऑर्डरी सा ऐसा। तो यहाँ पे जो कितने लगे रहते हैं ये तो वर्ड 50 कलर बिल्कुल बेकार है। ऐसा बिल्कुल मत मंगाना जब तक आप अच्छे से देख रहे हो। उसमें दिखा कुछ और रखा और भेज कुछ और दिया। 9 अक्टूबर को आया था, आज है 15। तो ये मैं रिटर्न कर दूंगी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अब देखते हैं ये वाला बॉक्स। वेजिटेबल्स वगैरह रखें तो पानी जैसे वॉश करके रखें या थोड़ा पानी हो जाता है तो वो नीचे चला जाए तो उसकी आपकी जो वेजिटेबल है वो खराब ना हो। तो ये तो ये ट्री ये है ऐसे करके। ये ना ये साइज जो ये रेक्टेंगल शेप है तो वो शेप के हिसाब से भी फ्रिज में रखने के लिए थोड़ा ईजी रहेगा। ऐसे आ जाएगा, अगर इतना नहीं आएगा तो डबल तो आ ही जाएगा। तो 3 ये है और 3 ये है इसी तरह का, ठीक है। इनके लिड्स ये तो ये क्वालिटी वाइज ठीक है, ये अच्छा है। लेकिन जो मैंने पहले मंगाया वो जो टिफिन था टिफिन बॉक्स वो अच्छा नहीं था। ये है 296। तो ये इनका प्राइस 296 में ये मुझे 6 मिली है तो ये मुझे ठीक लग रहा है, ये आप मंगा सकते हैं। और फ्रिज क्वालिटी इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और वो प्रोडक्ट भी अच्छा है। और ये आप जब फ्रिज में रखेंगे तो इससे आपके फ्रिज भी वेल ऑर्गेनाइज रहेगा। तो जब मैं ये रखूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। तो अगला बॉक्स खोलते हैं। अब ये है मेरे पास एक ये वॉलपेपर मंगाया था मैंने, तो ये मैंने वॉलपेपर मंगाया है। फेदर सेल्फ
फेदर सेल्फ एडिसिव वॉलपेपर। हाँ, ये फेदर वाला है, ग्रे में व्हाइट फेदर दे रखे हैं, दिखाती हूँ आपको। 200 × 45 सेंटीमीटर। हाँ, 200 × 45 सेंटीमीटर है ये। और ये मैं रूम में यूज करूंगी वॉल के लिए। अभी वैसे मैं सोची थी मेरे किचन में भी कुछ जो पैक डब्बे थे वो पैक करने के, तो उसमें भी यूज कर सकती हूँ। वैसे ये रूम के लिए सेम ही आया जैसे दिखाया है, सेम आया जैसे दिखाया है, बिल्कुल जैसा। क्वालिटी बहुत अच्छी है, कलर वही है, सब कुछ सेम। और ये 140 ये मीशो का, ये भी मीशो का है। सारे प्रोडक्ट्स मैंने मीशो से मंगाए हैं। ये 144 का, 144 इसका प्राइस, 144। तो अब कुछ ये बॉक्सेस बचे हैं, इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। चलिए तो अब ये खोलते हैं। ये यहाँ से खुला हुआ है पहले से, इसमें ये नकली चोटी है जिंदगी के लिए आई है, डांटी वाली चोटी नहीं। मम्मा जिंदगी के लिए आकर दिखाएं। तो ये मैंने मंगाई है, जैसे कुछ वीडियोस वगैरह बच्चे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल वगैरह में, और कुछ वीडियोस वगैरह बनानी होती है। तो ये बाल है इस तरह से, जैसे रील्स बनाते हैं, मेरी बेटी डांस वगैरह में पार्टिसिपेट करती है, तो उस हिसाब से ये कुछ लुक वगैरह करते हैं, तो उसमें ये नकली बाल की चोटी है, आप लगा सकते हैं। इसका प्राइस कितना है? 200। ये 200 की, और इसके बाल बिल्कुल नकली वाले हैं, नकली बिल्कुल सिंथेटिक वाले हैं, आप सब देख के चलिए। इसको यहाँ रख देते हैं। तो अगला बॉक्स है ये, ये भी उसी के लिए बनाया है मैंने। कुछ कुछ लुक वगैरह लेते हैं, या कुछ ट्रेडिशनल लुक है, या कोई लुक है उसमें बाल लंबे चाहिए होते हैं, तो उसके लिए है ये भी। इसका प्राइस क्या है? 175। ये 175 रुपीज का है। तो अब हम एक पावर बॉक्स करते हैं ओपन। ये क्या है? ये मैंने मेरी बेटी के लिए मंगाया है। तो ये ब्रेसलेट है, ट्रेंडी ब्लैक सिल्वर झुमकी बैंगल्स। उन्हें पहन के देख के अच्छा लग रहा है। मम्मा मुझे पहना दो। इसका ये अभी टूट के निकल रही है। हाँ, ये क्वालिटी में तो अच्छा नहीं है, देखने में अच्छा लग रहा है। ये मेरा नहीं है, मैंने अपनी बेटी के लिए बताया है। 145। सिल्वर झुमकी बैंगल ब्रेसलेट। तो अब हम खोलते हैं अपना अगला प्रोडक्ट, जो कि है छोटा सा पॉकेट है। खोल लिया था क्या देखो? नहीं मम्मा, ये ऐसे आया था। चलिए, तो ये है ब्रेसलेट, ब्रेसलेट वॉच। वॉच ये मुझे बड़ी लग रही, तो बहुत छोटी है। वही तो देख रहे हैं, इतनी बड़ी दिखाई दे रही है उसमें, बहुत बड़ा बड़ा दिखा रहा है। और ये बहुत छोटी बच्चों जैसी है, इतनी बड़ी इसमें दिखाई है। और
है इतनी सी, ये तो बहुत छोटी है, जिंदगी भी नहीं आएगी तो। और ये है 190 की जी। ये पहले ये दिखा दिए उसके बाद। तो ये तो रहा ज्वेलरी वाला, ज्वेलरी वाली कुछ नहीं है, ज्वेलरी कोई नहीं है नहीं। तो एक ये वाला बॉक्स रह गया, इसको और खोल दिखाती हूं आपको। पहले पहले वो रखा था, ये चॉपर है, ड्राई फ्रूट कटर एंड स्लाइसर, ड्राई फ्रूट स्लाइसर है। तो ये जब मैं यूज करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको दिखा चुकी हूँ। तो मैंने ये परचेज किया, इनको कहाँ कहाँ मैं कैसे कैसे यूज करती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोस का जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। और दूसरी चीज़ है, मैं बहुत ही जल्दी अपना जो मेकओवर, एक और रूम का मेरा आने वाला है। मेरे मेकओवर को आपने पसंद किया है पहले भी, उसे लाइक किया है और उस पर अच्छे व्यूज़ आए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो मेरा जो DIYs मैं करती हूँ वो भी आप पसंद करते हैं और कमेंट्स करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, और हाँ मैंने भी स्टार्ट किया है, मेरे 400 सब्सक्राइबर हो गए, तो उसके लिए मुझे खुशी हो रही, अच्छा लग रहा है। उन सारे सब्सक्राइबर को जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको बहुत बड़ा सा थैंक यू। और भी लोग जो देखते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जिससे कि हम आगे बढ़ सके और मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। और जो अभी बहुत जल्दी में मेरा एक वीडियो आने वाला है, तो आप उसे देखिए, और उसमें मेकओवर है और उसको मैंने बहुत, मतलब बहुत तैयारी की है उसकी, तो मैं जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ, तो आप देखते रहिए। और बस इसी के साथ खुश रहिए और हेल्दी रहिए, अपने आप को फिट रखिए, इन दिनों का केयर करिए, बीमारी जो छोटी मोटी मौसम बदलने की बीमारी हो रही है, मैंने अभी पहले ही बताया था, तो बच्चों का ध्यान रखिए, हेल्दी खाइए। बस इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट करिए, बाय, टेक केयर। फैमिली वाली मानती हां, तो अब छोटा सा जो फैमिली 400 सब्सक्राइबर का है वो 500 हो जाएगा जल्दी से। दुआ करिए, प्रे करिए जिसकी ऐसा हो जाए। और बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।